हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्र में आपका स्वागत है। आईसीएआर टेक्नीशियन की आंसर की आने के बाद अब कितनी कट ऑफ जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि पेपर का लेवल इस बार बहुत हाई रहा है, मतलब बहुत अच्छा पेपर आया था। तो कल आंसर की आई है और बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने अपने अपने नंबर शेयर किए हैं मेरे से, तो ये मान के चलिए जितने लोगों ने शेयर किया है वो ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि उनकी पढ़ाई कमज़ोर है किसी तरीके से, फिर भी उनके नंबर जो है 50 नहीं टच कर पाए। क्यों नहीं टच कर पाए? क्योंकि इस बार पेपर का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई था, पेपर मतलब कठिन आया। तो अब ये नहीं कि कोई एक विशेष टॉपिक कठिन आया था, सब कुछ कठिन ही आया है, इसलिए पेपर की कट ऑफ कम जाएगी। तो फटाफट बात कर लेते हैं कितनी बार कट ऑफ जाएगी, ठीक। तो भैया यूआर की बात करें तो ये मान के चलिए आप 58-60 के आसपास यूआर की कट ऑफ जाएगी। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 55-58, ठीक। यदि एससी की बात करें तो ये आप मान के चलिए कि 50-52 के आसपास एससी जाएगी। यदि एसटी की बात करें तो आप ये 45-48 के आसपास रखिए। जितने नंबर हमने बताए हुए इसमें आप प्लस माइनस 3 नंबर लेके चलिए, इतने नंबर यदि आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। और अपने नंबर जितने भी आपके आए आंसर की के बाद में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। और रिजल्ट का इंतजार करें, या मानने के लिए मार्च एंड या मिड अप्रैल में आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो भैया वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करके अपने नंबर बताना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।